नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस की वीडियो में मैं सीएम पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का दिन काफी वोलेटिलिटी वाला रहा। हमने दो ट्रेड्स लिए थे, दोनों में हमें लॉस हुआ और कुल मिला के हमारा जो लॉस हो रहा है दैट इज 15,450, जो हमारी कैपिटल का 1% है, क्योंकि हमारी 15 लाख की कैपिटल है। 15,450 का लॉस हुआ, उसके बाद हमने ट्रेडिंग करना छोड़ दिया, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अडजर्ट करते हैं। मेरा रूल है, नंबर वन रूल इज कि मेरा इंट्राडे लॉस कभी भी कैपिटल के 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर टू रूल इज कि मैं कभी दो से ज्यादा लॉस मेकिंग ट्रेड लेता नहीं। ये दोनों रूल यहाँ पर ट्रिगर हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया था। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके ऐसे कोई रूल्स है जो आपका रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करे? नंबर टू, अगर आपके ऐसे कोई रूल्स है तो क्या आप उसे फॉलो कर पाते हो? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप उसे लाइव मार्केट में फॉलो कर पाते हो? लाइक दो ट्रेड्स हो गए, लॉस मेकिंग हो गए, कैपिटल का 1% हो गया, ट्रेडिंग स्टॉप मतलब स्टॉप, क्या आप ये कर पाते हो? इफ यू आर एबल टू डू प्लीज राइट डाउन एबल टू डू, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन प्लीज राइट डाउन नॉट एबल टू डू इन द कमेंट बॉक्स। मुझे आपकी कमेंट्स चाहिए। अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपका एक ऑनेस्ट कन्फेशन मेरे को चाहिए, जो आपको आगे जाने में बहुत हेल्प करेगा। देखो, कोई भी चीज में इंप्रूव करने के लिए जरूरत है पहले एक्सेप्ट करो कि यहाँ पे हम गलत है। एक्सेप्टेबिलिटी इज द फर्स्ट थिंग, उसके बाद इंप्रूवमेंट आता है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि हाँ ये गलती है, तो इंप्रूव होने का चांस नहीं है। सो प्लीज आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू, अगर आप अपने रिस्क मैनेज, पहली बात तो यही है कि क्या आपके कोई रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स हैं? इफ यू डोंट हैव रूल, टाइप आउट दैट डोंट हैव रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। तो मैंने आपके लिए बता दिया, 1% ऑफ कैपिटल इंट्राडे बेसिस एंड 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स, इससे ज्यादा ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। अगर आपकी कोई खुद के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है तो मेरे को आपसे चाहिए, आर यू एबल टू फॉलो और नॉट एबल टू फॉलो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, फिर मैं अपने लॉस का एनालिसिस आपके सामने दिखा देता हूँ। तो गाइस, 15,450 का लॉस है। ऑर्डर बुक में ले जाते हैं, दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे हमने ऑर्डर लिए थे। सबसे पहले मैंने निफ्टी का 19,600 का पुट सेल किया था, मतलब कि वहां पे हमने एक बेरिश पोजीशन बनाई थी, और सॉरी पुट सेल किया मतलब हमने एक बुलिश पोजीशन वहां बनाई थी। तो चलिए देख लेते हैं किस बेसिस पे हमने यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाई थी। तो मैं आपको लिए चलता हूँ निफ्टी के चार्ट के अंदर, और कल मैंने निफ्टी एनालिसिस का एक वीडियो डाला था, आई होप आप सबने देखा होगा, लेवल का इंपॉर्टेंस देखा होगा। वही लेवल के आसपास बस थोड़ी गड़बड़ी में हमने ट्रेडिंग कर लिया, गड़बड़ी तो नहीं, लेवल को सिस्टम को फॉलो किया था, बट आज मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो हमें यहाँ पे मुझे वो थोड़ा लॉस हो गया। चलिए, चार्ट लोड हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन, ये मैंने आपको बताया था डेली चार्ट के अंदर में अगर आपको ले जाऊं तो कल की जो कैंडल थी, कल की कैंडल, दैट वॉज एन इनसाइड कैंडल। सो इनसाइड कैंडल का मतलब कि उसकी प्रीवियस डे की कैंडल का लो, ये जो रेड लाइन है ना 19,600, That was the level. वहां पे ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी था guys, right? तो यहाँ पे 5 मिनट में ये देख रहा था मॉर्निंग में कि ये इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, मैं इंतजार कर रहा था ग्रीन कैंडल, इंतजार कर रहा था डोजी कैंडल, इंतजार किया, फिर ये कैंडल जब अच्छी क्लोज हुई तब यहाँ पे मैंने 19,600 का पुट सेल किया था। आप टाइमिंग भी देख सकते हो, ये 9:45 का है। So, मैं आपको टाइमिंग भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, आई हैव नथिंग टू हाइड ओवर हियर, कि मैंने इंतजार किया था। अब यहाँ पे देख सकते हो 9:50 को मेरा ऑर्डर गया था, राइट? सो ये 9:45 टू 9:50 कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, तब जाके मैंने मेरे रूल्स के हिसाब से एंट्री ली थी, बट फिर वो ऊपर जाके नीचे एकदम फिसल के गिर गया, तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ ही हमारा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, और मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में ही होता है, तो जैसे ही सिस्टम वहां पे पहुंचता है वो एग्जिट कर लेता है। फिर यहां से वापस ऊपर ऊपर गया, ये भी देखो मेरा एक लेवल था जो मैंने कल के वीडियो में बता रखा है, कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं, एग्जैक्ट उस लेवल से देखो मार्केट ऊपर गया है। तो अगर आप हमारी लेवल वाली वीडियो नहीं देखते हो जरूर से देखिए, बहुत ज्यादा पावर मिलेगा आपको, दैट इज फॉर श्योर। फिर यहां पे जा रहा था, फिर वापस ये जो लाइन थी वो मंडे के कैंडल का हाई था, तो यहां पे मैंने देखा कि काइंड ऑफ एनगल्फिंग कैंडल बनी, इस हाई को अप्रोच कर रहा था मगर फेल किया, नीचे गिरा, मैं इंतजार कर रहा था, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, और ये कैंडल जब बनी, मतलब मैंने क्या देखा,
कि ये हाई था, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये एक काइंड ऑफ आज के दिन का हाई था, निफ्टी नीचे गिरा वापस ऊपर गया, और ये कैंडल मतलब मेरे को क्या दिखा कि यहां पे उसने लोअर हाई बना दिया है, और ये जो लेवल था वो यस्टरडे का हाई था एक्चुअली। तो इस कैंडल के आसपास मैंने वापस एक बेरिश पोजीशन बनाई, यहाँ का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, अगेन वो स्टॉप लॉस भी मार्केट ले गया, और यू नो हमारे यहाँ पे दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। तो मेरे हिसाब से आज मैंने कुछ गलती नहीं करी है, मैंने अपनी सिस्टम फॉलो करी है, मार्केट ने स्टॉप लॉसेस लिए है, ऐसे दिन आते हैं, ऐसा होता है, मैंने एब्सोल्युटली अपनी सिस्टम के हिसाब से काम किया, दिस इज गुड लॉस, दिस इज हैप्पी लॉस। सो सी स्टॉक मार्केट में लॉसेस होना नॉर्मल है, बट जरूरी है कि आप गुड लॉसेस लो। गुड लॉसेस का मतलब जैसे आज हमने हमारे सिस्टम फॉलो करी, इंतजार किया, कोई जल्दबाजी नहीं की थी, लेवल का इंतजार किया था, उसके बाद ट्रेड किया, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इट्स ओके, रेडी टू एक्सेप्ट, हैप्पीली एक्सेप्टिंग दैट कि मार्केट में ऐसा होता है, बट सिस्टम फॉलो नहीं करके लॉस करना दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये बात आपको यहाँ पे सीखने को मिली होगी। कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर सही में ऑनेस्टी फील आ रही है। देखो मैं आपका लॉस ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर ऑनेस्टी फील हो रही है प्लीज टाइप थैंक यू इन द कमेंट बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ऑनेस्ट लगा है, अच्छा लगा है, पावरफुल लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो जरूर आप थैंक यू टाइप करके इस वीडियो को छोड़े। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।